हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं अनियन पकौड़ी चाट। तो इसके लिए मैंने लिया था 100 ग्राम बेसन, उसके अंदर मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और एक चौथाई चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी और एक चौथाई चम्मच मैंने इसके अंदर डालकर नमक डालकर इसको अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लिया था, लिक्विड और सॉफ्ट। ये देखिए लम्स निकल जाने चाहिए सारे अच्छे से फैटने के बाद। ये देखिए तैयार हो गया हमारा एक लिक्विड सॉफ्ट पेस्ट। उसके बाद मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई गर्म करने के बाद उसके अंदर ऑयल डाला, फिर मैंने ये अपने प्याज की सारी परतें जो खोल ली थी पहले से ही, ये देखिए इसको इसके अंदर डिप करके मैंने इसको गोल्डन फ्राई कर लिया। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लेना क्रिस्पी होने तक। मेरा बेसन थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, थोड़ा लिक्विड घोल बनाइएगा ताकि इसमें अच्छे से बन सके। ये देखिए आपको एक एक कर कर अपने सारे अनियन को इस तरह फ्राई कर लेना है। ये देखिए तैयार हो गए हमारे अनियन फ्राई, अच्छे से हमने इसकी पकौड़ी ऐसी बना ली है। देखिए अब इस पर डालने के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए, जैसे ये मैंने मायोनीज ली है, ये टमाटो केचप और ये शेजवान चटनी। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर कटा हुआ आलू लगाया, बॉईल किए हुए मैंने उसको बारीक बारीक काट लिए थे मैंने एक चम्मच की हेल्प से। उसके अंदर मैंने ये आलू को भरा, ये देखिए। उसके बाद आपके ऊपर उसके ऊपर डालना अपनी शेजवान चटनी, उसके ऊपर आपको डालनी है अपनी टमाटो केचप और उसके ऊपर डालनी है आपको मायोनीज। मैंने शेजवान चटनी और मायोनीज और टमाटो केचप को एक जगह मिक्स कर लिया था, आप चाहे अलग अलग कर लीजिए चाहे एक जगह मिक्स कर लीजिए। और फिर इसके ऊपर से डालने मैंने ऊपर से सेव, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी था और एकदम झटपट से बनने वाली रेसिपी थी। ये तैयार हो गई हमारी अनियन पकौड़ी चाट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।